सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर टू, चैप्टर टू ऑफ द टेक्स्ट बुक दैट इज होल नंबर्स. सो आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, दैट इज होल नंबर्स. दिस इज आवर चैप्टर टू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ इन दिस चैप्टर बेसिकली इन होल नंबर्स, सी बिफोर दिस वन ना, अगर मैं तुम लोगों से एक सिंपल सी बात करता हूँ कि बेटा तुम लोगों को ना कोई चीज़ काउंट करनी है, ओके काउंटिंग, तो अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी क्लास में ना इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं तुम्हारी क्लास में, दीज आर सम चिल्ड्रन सिटिंग, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे? इफ़ यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तुम ऐसे करोगे, सर दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ. तुम लोग मुझे आके क्या बोलोगे कि सर हमारी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 12 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस टाइम पे, 12 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. अच्छा एक चीज़ देखो, जब भी तुम लोग कोई काउंटिंग स्टार्ट करोगे, वेन एवर यू विल बी स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ काउंटिंग्स, है ना, यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ पीपल्स इन अ मीटिंग, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन. तुम हमेशा वन से स्टार्ट करते हो, लाइक दिस 1 2 3 4, है ना. सो इफ वी आर स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम वन, दैट मीन्स वी आर कॉलिंग देम एज वट, नेचुरल नंबर्स. हम उनको क्या बोलते नेचुरल हैं? वी नंबर्स। कॉल इट एज नेचुरल नंबर्स. अच्छा कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम्हारे टीचर ने यू आर गिवन एनी रोल नंबर 0? क्या तुम्हारी क्लास में किसी का ऐसा आज तक हुआ कि सर आपने मुझे 0 रोल नंबर दे दिया? नहीं होता, क्योंकि हम जब काउंटिंग करते हैं ना, वेन एवर वी डू काउंटिंग इन नेचुरल नंबर्स, हम काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में. अब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, सेट क्या होता है, जो हम ये लिख रहे हैं ना 1 2 3 4, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, है ना, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इफ आई एम इंक्लूडिंग दिस 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5, सी एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट आई हैव एडेड हियर 0, मैंने क्या ऐड कर दिया इधर 0. सो नाउ द सेट बिकम्स वट, अब ये पूरा सेट क्या बन गया, दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. नाउ इट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स. वेन वी आर स्टार्टिंग विद 1 2 3, दैट मीन्स इट इज द काउंटिंग वी आर डूइंग, एंड काउंटिंग वी ऑलवेज डू इन वट, वी डू इन नेचुरल नंबर्स. बट इफ वी इंक्लूड 0 टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट बिकम्स होल नंबर. ओके यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, तुम लोग एक और चीज कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे बोल दे कि 0 इज अ होल नंबर, ठीक है, तुमसे पूछा जाता है 0 इज अ होल नंबर और ये ट्रू है या फॉल्स है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर इट इज ट्रू, ये ट्रू है, करेक्ट है ये, ठीक है. बट इफ समवन इज आस्किंग, अगर किसी ने बोला कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, 0 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो तुम लोग क्या बोलोगे, इट इज फॉल्स, है ना, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है. सो जस्ट वेन यू आर थिंकिंग अबाउट होल नंबर्स, यू हैव टू स्टार्ट विद 0. वेन यू आर थिंकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, यू विल बी स्टार्टिंग विद 1. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज सर, बस 0 प्रीडिसेसर. ही नंबर नाउ कमिंग टू प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर की बात करते हैं और सक्सेसर की बात करते हैं. वट इज प्रीडिसेसर, वट इज सक्सेसर, बस कुछ नहीं होता है. देखो प्रीडिसेसर मीन्स व्हाट, यू आर गोइंग वन नंबर लेस, एंड सक्सेसर मीन्स वन नंबर मोर. सपोज आई एम गिवन विद अ नंबर, एक नंबर है मेरे पास 13, 13 इज माय नंबर, सो व्हाट इज इट्स प्रीडिसेसर, 13 का प्रीडिसेसर कौन होगा, दैट विल बी 12, एंड व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 13, दैट विल बी 14. सी जस्ट यू विल बी एडिंग फॉर सक्सेसर, सक्सेसर के लिए क्या करना है, प्लस 1 करना है, और प्रीडिसेसर के लिए क्या करना है, माइनस 1. नाउ सपोज आई एम गिवन विद अ नंबर 10, 10 का सक्सेसर कौन होगा, इट विल बी 11, एंड प्रीडिसेसर विल बी 9. ओके सिमिलरली इफ आई एम हैविंग 100, सक्सेसर विल बी 101, एंड प्रीडिसेसर विल बी
99. दैट मींस जब प्रीडिसेसर फाइंड आउट करोगे, इफ यू आर फाइंडिंग द प्रीडिसेसर, यू विल सब्ट्रैक्ट वन. क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट. ओके, यू विल सब्ट्रैक्ट वन. एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग द सक्सेसर, जब सक्सेसर फाइंड आउट करोगे, यू विल बी एडिंग, प्लस वन करना है. ठीक है? नाउ देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आया 9999, व्हाट इज इट्स सक्सेसर? सक्सेसर क्या आएगा? आई हैव टू एड, प्लस वन करेंगे इसमें. सो इट विल बी 1000. दिस इज आवर व्हाट? सक्सेसर. देन प्रीडिसेसर इज व्हाट? 1 माइनस करेंगे 9998. ठीक है, बस ये याद रखना. प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है माइनस वन, सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो प्लस वन करना है. अब देखो, कई बार ना तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो. सो यू विल बी राइटिंग जीरो. एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? वन. यू विल बी राइटिंग वन. करेक्ट. तुम लोग क्या लिखोगे? वन. सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो जीरो. अब एक और चीज आती है, देखो कई बार क्वेश्चन किस टाइप का आता है, राइट राइट नेक्स्ट थ्री नंबर्स टू 1099. 1099 से ना आगे वाले तीन नंबर लिखने हैं. तो 1099 से आगे क्या आएगा? इट विल 1100 1101 1102. मीन्स अगर हम नेक्स्ट थ्री, इफ वी आर राइटिंग नेक्स्ट थ्री के लिए क्या करना है? वी हैव टू एड. क्या करना है? एडिशन. अगर नेक्स्ट थ्री, एंड समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड लाइक दिस, राइट प्रीवियस थ्री नंबर्स, प्रीवियस थ्री नंबर्स टू 101. 101 से पहले वाले तीन नंबर लिखने हैं. तो 100 पहले वाले तीन नंबर 100 99 98. These three are previous three numbers. This kind of question can be asked. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेक्स्ट थ्री नंबर लिखो, प्रीवियस थ्री नंबर लिखो, सक्सेसर लिखो, प्रीडिसेसर लिखो. देखो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग इसका आंसर लिख देना बाद में. प्रीडिसेसर लिखना है तुम लोगों को और सक्सेसर भी लिखना है. प्रीडिसेसर सक्सेसर, फर्स्ट नंबर है जो तुम्हारे लिए वो है 98, देन 1010, देन 3099. ओके, दीज आर थ्री नंबर्स. इनका प्रीडिसेसर लिखना है तुम लोगों को तीनों का, और सक्सेसर भी लिखना है. ठीक है, तीनों का. ये तुम्हारा होमवर्क, होमवर्क अभी तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे ऑन नंबर लाइन. एडिशन एंड subtraction on number line. In our last chapter also that topic was there, addition and subtraction on number line. कैसे use करते हैं number line को to add or subtract any two whole numbers. कोई भी दो whole numbers को add or subtract करना है, then how to use a number line. देखो, suppose we are adding 3 + 5. We know, देखो हम लोगों को अच्छे से answer पता है that 3 + 5 = 8. But number line पे कैसे करना है? देखो number line पे कैसे करना है, you have to draw a number line. एक नंबर लाइन स्केल से ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग योर रूलर. देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखो व्हाट वी हैव टू ऐड, हम लोगों को क्या ऐड करना है? थ्री को और फाइव को ऐड करना है. तो पहले हम लोग कहां पे जाएंगे नंबर लाइन पे? थ्री पे जाएंगे. फर्स्ट वी विल मूव टू थ्री. So this is our three. When we are doing addition, ये याद रखना, अगर हम addition करते हैं, if we are doing addition, then we move to which side?
राइट साइड, हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे. ओके, राइट नाउ सी हाउ मेनी स्टेप्स आई विल बी मूविंग टू राइट साइड. 5 स्टेप्स बिकॉज आई एम एडिंग 5. सो 3 से स्टार्ट करेंगे. देखो 3 से 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप. सो आफ्टर 5 स्टेप्स आई एम रीचिंग टू 8. दैट मीन्स वट? इफ आई एम डूइंग 3 + 5 आई एम गेटिंग माई आंसर 8. ओके, सिमिलरली देखो एडिशन के लिए हम कहाँ पे जाते हैं? फॉर एडिशन वी मूव टू द राइट साइड. लेकिन अगर हम लोगों को सबट्रैक्ट करना है देन वी मूव टू द लेफ्ट साइड. तब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे इफ वी आर डूइंग द सबट्रैक्शन. देखो कैसे करना है, एक बार ये भी एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग. देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है सपोज 7 - 3, 7 में से 3 को माइनस करना है ऑन नंबर लाइन. सो आई विल राइट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस. नाउ फर्स्ट आई विल मूव, मैं पहले सबसे पहले कहाँ पे जाऊंगा? आई विल मूव टू 7 पे जाऊंगा. ठीक है, दिस इज माई 7. नाउ आई एम मूविंग टू लेफ्ट और राइट, कहाँ पे मूव करना है? आई हैव टू मूव टू लेफ्ट साइड बिकॉज माइनस इज देयर. माइनस का मतलब कहाँ पे जाना है? लेफ्ट साइड में. लेफ्ट मीन साइड. कितने स्टेप जाना है? 3 स्टेप्स, 1, 2, 3. एंड आफ्टर मूविंग 3 स्टेप्स वेयर आई एम रीचिंग? आई एम रीचिंग टू 4. सो दैट मींस 7 - 3 द आंसर इज 4. सो दिस इज हाउ टू द नंबर लाइन फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन. एडिशन के लिए राइट साइड चले जाएंगे और सबट्रैक्शन के लिए लेफ्ट साइड में चले जाएंगे. ओके, नाउ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट? Properties of whole numbers की बहुत सारी properties होती हैं, वो सब पढ़ेंगे हम. properties of whole numbers, सबसे पहली properties का नाम होता है closure property. क्या नाम होता है? closure property. ठीक है, अब ये closure property क्या होता है बेटा? देखो If we are having two whole numbers, okay? देखो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी होता है एंड डिवीजन में भी होता है. लेकिन फॉलो किस में होता है इनमें से? अगर हम फॉलो अप करने की बात करते हैं तो फॉलो किस में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो क्लोजर का मीनिंग समझो पहले. क्लोजर प्रॉपर्टी मीनिंग क्या होते हैं? इफ आई एम हैविंग टू होल नंबर्स, कोई भी दो होल नंबर्स लेता हूं मैं. वन होल नंबर आई एम टेकिंग सपोज 6, वन होल नंबर आई एम टेकिंग सपोज 3. अंडर एडिशन अगर मैं 6 + 3 करता हूं देन What answer I will be getting? 9. क्या ये 9 एक होल नंबर है? Is it a whole number? You will say yes. 9 is a whole number. Yes, sir. है ना? So that means what? If I am adding two whole numbers under addition, I am talking only about addition. मैं सिर्फ addition की बात कर रहा हूँ. Under addition. If I am adding one whole number, this 6 is a whole number. Then I am adding one more whole number. See, whole number plus whole number. What I am getting? Again a whole number. Every time you will be taking any whole number. तुम लोग कोई भी whole number ले लो. Suppose तुमने एक whole number लिया 0. Then एक whole number तुमने 10 लिया. What will be your answer? It will be 10. Again you are getting a whole number. So that means what? Every time if you will add two whole numbers you will get a whole number. तो तुम लोगों को एक होल नंबर ही मिलेगा अगर तुम दो होल नंबर्स को ऐड करोगे ना. एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग अ होल नंबर. ठीक है, जब भी होल नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? होल नंबर ही मिलेगा. सो दिस इज अंडर एडिशन वी हैव डिस्कस्ड अभी तक.
हमने एडिशन वाला डिस्कस किया है. इफ वी आर एडिंग टू होल नंबर्स वी आर गेटिंग अ होल नंबर एज रिजल्ट. हमारा होल नंबर ही रिजल्ट आता है. बट अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, देखो अब सब्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है. सपोज मेरे पास एक नंबर है 6, माइनस 3 किया, 6 माइनस 3 आई एम गेटिंग 3. देखो 6 इज व्हाट, 6 इज अ होल नंबर, 3 इज व्हाट, 3 इज अ होल नंबर, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर. बट अगर मैंने क्या किया, 4 माइनस 10 किया, 4 माइनस 10 करने पे क्या आएगा, वट आई विल बी गेटिंग, आई विल गेट माइनस 6. वट आई विल गेट माइनस 6, दैट मींस 4 इज अ होल नंबर, 10 इज अ होल नंबर. क्या माइनस 6 एक होल नंबर होता है? दिस इज नॉट अ होल नंबर. माइनस 6 इज नॉट अ होल नंबर. दैट मीन्स वट, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एडिशन के साथ तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होता है, बट सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू नहीं होता. एडिशन प्रॉपर्टी अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज ट्रू, बट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू. ये वाला ट्रू नहीं होता है, ये फॉलो अप नहीं होता, बिकॉज वी आर गेटिंग माइनस एज रिजल्ट, एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है. रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ यू आर हैविंग एडिशन प्रॉपर्टी देन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज, इफ सब्ट्रैक्शन इज देयर देन क्लोजर प्रॉपर्टी Do not follow.